हमारे भारत से अंजू मंजू संजू करके भगो भगोड़ी भागी थी, लेकिन जब तुम यहाँ पर अपने बच्चों को लात मारकर चली गई, अपने भारत को ठेंगा दिखाकर चली गई, भारत की तुमने महिला को वहां जाकर एक तरह से कहो के रिप्रेजेंट करा के भारत की महिला, मतलब नॉन मुस्लिम महिला ऐसी होती है कि अपने बच्चों को अपने पति को छोड़कर चली जाती, यानी तुमने हिंदू धर्म की तौहीन करी। देखिए मुस्लिम धर्म में कोई महिला पति के लिए व्रत नहीं रखती, इनके यहाँ नवरात्रे होते हैं, इनके यहाँ पति नहीं तो सीमा, आप बीच बीच में सीमा को क्यों लेकर आ जाते, उस भगो भगोड़ी को मत कहिए, वो तो एक आवारा, एक ठरकी, एक एक्सपायरी हो रहा था। सीमा का रंजू संजू का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ पर संजू अंजू जो है वो सीमा हैदर से लाख दर्जे अच्छी है, क्योंकि उसने पासपोर्ट बनवाया, उसने वीजा लिया, और 6 महीने बाद जब उसका वैलिडिटी समाप्त हो गई वो पाकिस्तान से वापस आई। तो यहाँ पर लाख दर्जे जो है अंजू मंजू संजू सीमा हैदर से अच्छी भी है और शायद एक मर्द वाली भी है। चलिए क्योंकि उसने मोहब्बत करी, मोहब्बत ही कुछ भी कह दिए, उसने एक मर्द से करी, वो हर मर्द के पाकिस्तान में किसी के बिस्तरों पर जाकर सोकर नहीं आई। लेकिन आज सीमा हैदर का इतिहास देखिए, पाकिस्तान में जहाँ की रहने वाली है वहाँ के ज्यादातर मर्द कहते हैं हमारे साथ इश्ता, हमारे साथ मोहब्बत थी, हमें आई लव यू बोलती थी, हमसे 10 साल लेती थी, हमारे यहाँ घर में आके मुजरे करती थी। तो सीमा हैदर तो एक तरह से कहिए कि अय्याशी के अड्डे का एक चलता फिरता कोठे का नाम है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से यहाँ है। लेकिन अंजू मंजू संजू का मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो एक हिंदुस्तान की हिंदू समाज से एक अच्छी महिला थी, दो बच्चों की माँ थी, एक अच्छा खासा पति था, उन सबको छोड़ के वो पता नहीं एफल टावर के पास, बुर्ज खलीफा के पास गई थी। हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट अहमद रिजवी जी, क्या कहेंगे सीमा हैदर तो भारत आई पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान चली गई भारत से अंजू, क्या कहेंगे अंजू के बारे में, क्या उनको सही कर रही है वो जो भारत आई है? मैं तो ये कहूँगी कि और भी गम है ज़माने में अंजू मंजू के सिवा, और मतलब आप लोग उसको इतना हाइप दे रहे हो, इतना हाइप देना नहीं चाहिए। और एक भगोड़ी वहाँ से इधर आती है बच्चे लेकर, दूसरी भगोड़ी यहाँ से बिना बच्चों के भाग जाती है। तो ये तो एक तरह से कहिए कि ये तो मतलब सारे के सारे हर इस्तेमाल करें किस तरह भारत की महिलाओं को और पाकिस्तान की महिलाओं को कितना कौन ज़्यादा बदनाम कर सकता है, ये इन दोनों भगो भगोड़ियों ने तय कर रखा है। अब ये देखिए कि जब तुम भारत से भागी थी, तुम एक माँ थी, तुम एक पति की पत्नी थी, और तुम जिस कल्चर से भाग कर गई थी वो कल्चर जो है नारी शक्ति वाला माना जाता है, भारत माता की जय माना जाता है। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। महिला हैं चाहे वो सरस्वती हो, अंबे हो, दुर्गे हो, काली हो, तमाम की तमाम महिलाएँ जो हैं वो देवियाँ जो महिला हैं, उसके बावजूद जिस समाज से वो आती थी अंजू मंजू संजू, वो उस समाज से आती थी जहाँ जन्म जन्म का रिश्ता कहलाता है कि अगर तुम पत्नी हो तो 7 जन्म की तुम पत्नी बन जाती हो। और चलिए कुंवारी लड़की थी, चलो कुंवारी लड़की मोहब्बत कर सकती है, कुंवारी लड़की किसी के साथ जा सकती है, मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती, मोहब्बत में कोई बंधन नहीं होता, मोहब्बत में कोई देश नहीं होता। तो चलिए आप एक कुंवारी लड़की थी होती हैं और आपको मोहब्बत चाहे किसी पाकिस्तानी से होती, चाहे आपको अफगानिस्तान के किसी अलकायदा के बंदे से होती, या किसी कश्मीरी से होती, किसी से भी होती, तो मुझे समझ में आता कि आप कुंवारी हैं और आपने अपना एक आशियाना बनाना है तो आप किसी के साथ भी बना सकती हैं। लेकिन आप शादीशुदा होकर, दो बच्चों की माँ होकर, और जिस समाज से आप हिंदू समाज से थी उस समाज से होकर आप अपने पति को धोखा देकर, अपने बच्चों को रोता बिलकता छोड़कर आप ऐसे जा रही थी, सेल्फी ऐसे कर रही थी, एयरपोर्ट की सेल्फी, मैं एयरपोर्ट पर मानो कि जैसे ऐश्वर्या राय जो किसी फिल्म की शूटिंग करने जा रही है या मोहब्बतों की शूटिंग चल रही है। तो आप कह रही हैं कि जो मोहब्बत की सीमा नहीं होती, लेकिन यह तो सचिन की सीमा हो गई उधर। लेकिन जो अंधभक्त है वो ये कह रहे हैं कि अंजू नहीं बोला जाए, फातिमा बोलिए। नहीं चलिए आप फातिमा ही बोल लीजिए, फातिमा ही बोले, लेकिन क्योंकि हमारे भारत से अंजू मंजू संजू करके भगो भगोड़ी भागी थी तो हम तो उसको अंजू मंजू संजू ही बोलेंगे। 6 महीने तुम वहाँ पर क्या कर आई हो हमें नहीं मालूम, तुम वहाँ किस कंडीशन में रही हमें नहीं मालूम, लेकिन जब तुम यहाँ पर अपने बच्चों को लात मार कर चली गई, अपने भारत को ठेंगा दिखाकर चली गई, भारत की तुमने महिला को वहां जाकर एक तरह से कहो के रिप्रेजेंट करा के भारत की महिला, मतलब नॉन मुस्लिम महिला ऐसी होती है कि अपने बच्चों को अपने पति को छोड़कर चली जाती, यानी तुमने हिंदू धर्म की तौहीन करी, यानी ये तो तुम कहो कि हिंदू धर्म में है ये कि आप अपने बच्चों को अपने पति को लात मार के चले जाओ। अगर हिंदू धर्म आप उठाकर देखें, मुस्लिम धर्म में कोई महिला पति के लिए व्रत नहीं रखती, इनके यहाँ नवरात्रे होते हैं, इनके यहाँ पति नहीं तो सीमा, आप बीच बीच में सीमा को क्यों लेकर आ जाते, उस भगो भगोड़ी को मत कहिए, वो तो एक आवारा, एक ठरकी, एक एक्सपायरी हो रहा था। सीमा का रंजू संजू का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ पर संजू अंजू जो है वो सीमा हैदर से लाख दर्जे अच्छी है, क्योंकि उसने पासपोर्ट बनवाया, उसने वीजा लिया, और 6 महीने बाद जब उसका वैलिडिटी समाप्त हो गई वो पाकिस्तान से वापस आई। तो यहाँ पर लाख दर्जे जो है अंजू मंजू संजू सीमा हैदर से अच्छी भी है और शायद एक मर्द वाली
वाली भी है। चलिए, क्योंकि उसने मोहब्बत करी, मोहब्बत ही या कुछ भी कह दिए, उसने एक मर्द से करी, वो हर मर्द के पाकिस्तान में किसी के बिस्तरों पर जाकर सोकर नहीं आई। लेकिन आज सीमा हैदर का आप इतिहास देखिए, पाकिस्तान में जहाँ की रहने वाली है वहाँ के ज्यादातर मर्द कहते हैं हमारे साथ इश्ता, हमारे साथ मोहब्बत थी, हमें आई लव यू बोलती थी, हम तो 10 साल लेती थी, हमारे यहाँ घर में आके मुजरे करती थी, दुबई में मुजरे करती थी। तो सीमा हैदर तो एक तरह से कहिए कि अय्याशी के अड्डे का एक कोठे का चलता फिरता कोठे का नाम है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से यहाँ आई। लेकिन अंजू मंजू संजू का मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो एक हिंदुस्तान की हिंदू समाज से एक अच्छी महिला थी, दो बच्चों की माँ थी, एक अच्छा खासा पति था, उन सबको छोड़ के वो पता नहीं एफल टावर के पास, बुर्ज खलीफा के पास गई। लेकिन वो तो बेटा मतलब कह रहे कि बच्चे लेने भारत आई है, लेकिन जिनके पति है ना सोसाइटी में घुसने दिया ना उनसे मिलने वाला, वो मर गई मेरे लिए। देखिए आप कुछ भी कहने के ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, आप कुछ भी कह के आप सीमा को बचा कर ले जाइए, आप संजू मंजू के फेवर में खड़े हो जाइए, लेकिन संविधान नाम की कोई चिड़िया होती है जो हर मुल्क में चलाई जाती है। और मेरा संविधान ये कहता है अगर महिला माँ दूसरे मुल्क में चली जाए और दूसरे धर्म में चली जाए तो बच्चे अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते, वो उसी धर्म में रहते हैं जिस धर्म में वो थे और जब तक रहते जब तक वो 18 साल के एडल्ट नहीं हो जाते। तुम तो अपने बच्चों को रोता भी लगता छोड़कर चली गई, अब ना मालूम पाकिस्तान ने तुम्हें भगाया, ना मालूम तुम्हें ये यकीन हो गया कि भारत में पठानियों ने बहुत इज्जत किया। बहुत इज्जत दी, मैंने खुद देखा उसको बहुत इज्जत मिली, कोई 2.5 करोड़ का चेक दे रहा है, कोई फ्लैट दे रहा है। हालांकि सीमा हैदर को तो किसी ने इज्जत नहीं दी, बस राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया। वो आज भी भिख मंगी टूटे फूटे मकान में रहती है जो किराए का मकान है, आज भी उसका भिख मंगा जो 5वां बेटा अडॉप्ट करा चूसा वाम ऐसे ही है, मेरा सोशल चैनल वायरल कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं कुछ कमाऊंगी, वो भिख मंगी आज भी आप तो खुशामदे मार रही है। लेकिन यहाँ पर अंजू मंजू संजू को पाकिस्तान ने सर आंखों पर बिठाया, उसको पैसे दिए, उसको चेक दिया और उसने इस्लाम धर्म में एक तरह से ज्वाइन करा। लेकिन जो चीज आप पीछे छोड़ गए वो पीछे छोड़ गए आप, मतलब कैसे आपने यकीन कर लिया कि यहाँ पर बेशक मोदी जी जो है राशन बांटते लेकिन मोदी जी बच्चे नहीं बांटते, रेवड़ियां नहीं बढ़ती यहाँ पर, बच्चे नहीं बढ़ते कि आप आओ 5 किलो राशन आपको चाहिए तो आप लेके जा सकती हो, आराम से लेके जा सकती हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी बच्चे भी बांटेगी और आपको आपके बच्चे दे देगी तो यह हम होने नहीं देंगे। और हम और हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा भारत, भारत के तमाम लोग अंजू संजू मंजू के पति के साथ खड़े हैं, उसके बच्चों के साथ खड़े हैं। साहब एक बात और है कि जैसे अंजू वीजा लेकर गई, लेकिन क्या भारत में कोई भी अगर वीजा के 6 महीने 1 साल रह सकते हैं? क्योंकि सीमा हैदर का यही मसला है, उनके विदाउट वीजा के भारत में नोएडा में कई महीनों से रह रही है, लेकिन सरकार के जो कान पर है वो जू नहीं देख रही है। देखिए वो तो सबसे पहले अगर सोशल मीडिया पे हो तो पहले ही मेरा इंटरव्यू था सोशल मीडिया पे, तो सबको पहले मैंने बताया था, स्ट्रीम चैनल पे खूब चल रही थी, सोशल मीडिया पे मुद्दा सबसे पहले शायद मैंने ही इसको मतलब बेनकाब करा और जिस तरह हुई उसके बाद तमाम लोगों ने वहां दौड़ना शुरू कर दिया, जिस तरह से फिर ड्रामे करने शुरू करे क्योंकि 3 महीने से नोएडा में रहते, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही इसने देखा कि सोशल मीडिया पे इसकी औकातें निकलनी शुरू हुई, क्योंकि मुजरे वाली बाई थी, ये मुजरे करती थी, पाकिस्तान में भी मुजरे करती थी, हैदराबाद में मेरी बात हुई तो वहां पर एक बंदी बता रही थी कि उनके पार्लर में तैयार होने आती थी और ये तैयार होने के 10,000 रुपए पे करती थी, उसके बाद ये गाड़ी में बैठ के चली जाती थी तो सेठ साहब इसको लेने आते थे, सेठ साहब की पार्टी में ये मुजरे करती थी, जहां नोट हजारों के मैं खुले कराने या मुझ पर लुटाने, वहां नोट लुटवाती थी, दुबई जाती थी। अब ना मालूम वो हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा ठरकी नेता या मंत्री था जो दुबई गया था और उसके पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में ये बैठकर भारत अपने बच्चों को ले गए, वो अभी तक एक रहस्य है। क्योंकि नेपाल से जो तार निकल कर आ रहा है, नेपाल वाले कह रहे हैं यहां पर नहीं आई, कि यहां पर मेरा मंदिर में हुआ था, वहां पर हुआ था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हां ये वाली बात आप सही कह रहे हैं कि ये मेरे भारत के एक तरह से कही सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा हमला कि एक आवारा ठरकी 5वीं फेल बुलबुल पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर आ जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता है। 3 महीने से वो नोएडा में रह रही थी, अय्याशियां करी, किसी को पता ही नहीं चलता, ना उसकी पड़ोसन को पता चलता कि पाकिस्तानी है, ना वो कहती, फिर तमाम जगह वायरल होती। लेकिन यहां तो उल्टा ही मामला हो गया, जितने भी गोबर भक्त उन्होंने उसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया कि सीमा भाभी विकास की चाबी और हमारी भाभी और तुम्हारी भाभी और सचिन की भाभी और हमारी भाभी सबकी, मैं सचिन की भाभी कहती हूं क्योंकि सचिन जो है उसका 5वां बच्चा 18 साल का लौंडा जिसको हिंदुस्तान की अंधी काली भैंगी लूली लड़की नहीं मिल रही थी, हिंदुस्तान जो उसको पाकिस्तान से एक आवारा औरत जिसके 4 बच्चे सही तो है। देखिए आप प्यार देश, नहीं, दूसरे देश नहीं, से प्यार देखो, आप प्यार के नाम को बदनाम मत करें, आप ठरक को अय्याशी को आप एक तरह से चलते फिरते कोटे को प्यार का नाम कह के ना तमाम अगर शाहजहां होता है या तमाम लैला मजनू होता खुदकुशी करके मर जाते हैं आप किस वाले डायलॉग पर कि जी प्यार, प्यार का मतलब पता है आप, अरे आपकी माँ है क्या आपकी माँ का इस वक्त किससे मोहब्बत करेगी? आप कहेगी जहां मैं तुझे मोहब्बत हो
क्योंकि तू चली जा, आपकी बहन है, कैसी बातें कर, तो प्यार कह रहे हो आप? यार प्यार की सीमा ही है कि आप जाकर किसी के साथ आशियाना बनाए, आप उसके साथ जाके जिंदगी गुजारे, उसके साथ जाके अपने बच्चे पैदा करके बच्चों के साथ खुश रहे। आप बच्चे पैदा करने के बाद, आप शादी करने के बाद, आप कहते हैं कि आपको प्यार हो। सवाल करेंगे मैं साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से भारतीय मीडिया सर आंखों पर सीमा इधर को बैठा रखी थी, दूसरा अंजू जब वाघा बॉर्डर पे आई तो गिद्ध की तरह नोच रही, तो क्या कहेंगे? ये देखे ना कि ये भारतीय मीडिया की तो बात मत करेगी, इनको कहा करी तमाम के तमाम, ये चाटुकार है और इनकी जबानें इतनी लंबी है कि आराम से जाके चट्टम चट्टी कर लेते हैं। ये सारे के सारे मुद्दे हटाने के लिए करा गया। आप ये देखिए, ये तमाम मीडिया वाले जो सीमा को भाभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीमा ने हगा, सीमा ने मुता, सीमा ने पादा, सीमा ने पूजा करी, तो ये अपने घर में जिस मोहब्बत को जायज करार दे रहे हैं, क्या ये अपनी बीवियों से कहेंगे कि जाओ तुम भी मोहब्बत करके दूसरों के साथ भाग जाओ? अपनी माओ को बोलेंगे, अपनी बहनों को बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, तो वहां तो पार्शल हो जाएंगे। दूसरे की बीवी अगर भाग कर आ जाती है तो जायज, और अपनी बीवी को भगवा देंगे क्या ये? अपनी बीवी से, इनकी बीवियां भी कहीं ना कहीं मोहब्बतें करते होंगे, 24 घंटे तो ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते हैं, इनकी बीवियां पता नहीं कहां कहां मुकाला कर रही होंगे, तो क्या ये अपनी बीवी से कहेंगे जाओ तुम भी अपनी मोहब्बत के पास चले जाओ? तो ये सारी ड्रामेबाजी है, इसको खाली पॉपुलर करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए इन्होंने तमाम की तमाम हरकत करी, और मीडिया ही की देन है कि आज इनके साथ ये हुआ। नहीं तो आपको याद होगा ज्योति मौर्या, आपको याद होगी ज्योति मौर्या इंडिया की एक एसडीएम थी जिसने अपने कुलीग से सिर्फ दोस्ती करी थी, शादी नहीं करी थी, सिर्फ दोस्ती करी थी, और उसको मतलब उसके मियां ने कहा था कि मेरी जो बीवी है वो मतलब मुझे इग्नोर कर रही है, उसने ये नहीं कहा था मुझे छोड़ दिया, मुझे इग्नोर कर रही है, और वो अपने दोस्त के साथ, दूसरे एसडीएम के साथ वो नैन मटक्का करी, उसके पति ने इल्जाम लगाया, सारा मीडिया चिल्ला रहा था ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है। यानी हिंदुस्तान की लड़की अगर किसी लड़के से दोस्ती करती है तो तुम्हारा दोहरा चरित्र, तुम्हारी कमी और कथनी में कितना फर्क है, तो तुम उसको बेवफा का सर्टिफिकेट देके तुमने ज्योति मौर्या को इतना बदनाम करा इंटरनेशनल लेवल पर, और जब एक पाकिस्तान की आवारा ठरकी औरत भागकर आती है, जबकि ज्योति मौर्या अपने बच्चों को साथ लेकर बैठी, ज्योति मौर्या के बच्चे ज्योति मौर्या के साथ रहते हैं, लेकिन सीमा हैदर जो है दूसरे के बच्चे छीन कर लेकर आती है, वो गुलाम हैदर के निकाह में होती है, जब वो आ जाते तो राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दी जाती है, लेकिन अंजू मंजू संजू जब जाती है तभी ये मीडिया कहता है कि भाग गई भाग गई भाग गई। तो ये दोहरा चरित्र है, ये सिर्फ आप दिखाइए कि समाज में गंदगी परोसने का अगर कोई काम कर रहा है तो आज के दौर में ये स्ट्रीम चैनल, ये भांड चैनल, ये जो चाटुकार चैनल है, ये माचिस की तिली लेके हर जगह फिरता, क्योंकि खुद तो बारूद है ये मीडिया, और माचिस की तिली हर जगह लेके फिरता है मीडिया, और हर जगह हर समाज में जाके ये मीडिया जो है आग लगाने का काम करता है।